हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गूगल मेल्स की। एक तो गूगल मेल हो गया और एक याहू मेल हो गया, एक रैंडम मेल हो गया। मेल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्रोफेशनल, एक पर्सनल। प्रोफेशनल वो होता है जो सभी यूज करते हैं, मोबाइलों में सभी यूज करते हैं, गूगल का मेल और याहू का और रेंडिफ का, ठीक है। और पर्सनल वो होता है जो पैसे देकर एक आईडी बनवानी पड़ती है, ठीक है। आज हम बात करते हैं जीमेल किस तरीके से बनाते हैं, याहू के बारे में हम बताते हैं। चलो हम शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आप याहू मेल किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक ब्राउज़र ओपन कर लें, उसमें याहू लिखें। ठीक है, साइड में जो तीन डॉट है उसको ओके करें और इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लें। ठीक है, जैसे हमने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंगिंग का ऑप्शन है, इस पर ओके करते हैं। ठीक है, तो साइड में आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले न्यू क्रिएट अकाउंट, मतलब नया खाता बनाना है इसमें। तो क्रिएट अकाउंट पे चलते हैं और सबसे फर्स्ट में नाम डाल देते हैं अपना। लास्ट में, ठीक है, उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से इसने दिए हैं कि ये आपके पास अवेलेबल है, बाकी हमको ये नहीं चाहिए, तो हम अपने हिसाब से ठीक है, तो हम ये चूज़ करके देखते हैं। इनमें से कौन सा आता है, तो इसमें मॉनिटर 16 आ रहा है, पासवर्ड ठीक है, एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, यहाँ पर मेल कर दें और कंटिन्यू पे ओके कर दें। ठीक है, सेव टू पासवर्ड, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो यहाँ पे आप सेंड कर दें। ओटीपी आ गई है, ओटीपी डाल दें। ओटीपी डालने के बाद में हम वेरीफाई कर देते हैं। ओटीपी आ चुकी है, और वेरीफाई कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, बिंदर मॉनिटर 16 याहू .com। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ऑफर्स हैं, इनको हम नहीं करते हुए डन पे करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेल आ चुका है, यहाँ पे आप देखें, ये देखिए। और यहाँ पे हम ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है। सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहले सेटिंग में जाके यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्म में चलते हैं। अकाउंट इन्फॉर्म में जाकर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, उसको दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इसमें कुछ। उसके बाद यहाँ पे ओके करें और आप अपना कोई भी एक यहाँ से लोगो उठा लें, अगर आपके पास कोई लोगो है तो, या आप अपना कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप उसको टिक करके
लगा सकते हो। ठीक है, डन का ऑप्शन है, ओके किया और ऐसे किया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और क्रॉप एंड सेव कर देते हैं। तो ये देखिए आपका जो प्रोफाइल पे फ़ोटो लग चुका है, और यहाँ पे पर्सनल फॉर्म है, एक्टिविटीज अकाउंट है, और यहाँ से आप थोड़ा पीछे चल सकते हैं। ये देखिए सब कुछ एकदम सही से लग गया, यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा अभी कुछ ही टाइम में। और उसके बाद में आप चलते हैं कि यहाँ पे इनबॉक्स, इनबॉक्स है तो इनबॉक्स में एक मैसेज आया हुआ है, हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखो ये इसी की तरफ से आया हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको अर्चीव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से बैक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई कंपोज में चलते हैं तो हमें किसी को मैसेज भेजना है, टू का मतलब होता है कि यहाँ पे हम किसको भेज रहे हैं, तो उसका हम डाल देते हैं। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो टैक्स, ईमेल, तो यहाँ पे करके आप थोड़ा फ़ोन का डिस्प्ले छोटा, इसके नीचे की तरफ आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाय लिखकर आप सेंड कर सकते हैं, हाय प्लीज़ विजिट माई चैनल, तो इस तरीके से करके नीचे ऑप्शन है सेंड। तो यहाँ पे कोई भी फाइल को आप अटैच कर सकते हो, यहाँ से करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारा है, रिसेंट ईमेल है, या अटैच कंप्यूटर फाइल्स, अगर कोई फाइल्स है उसको भी आप अटैच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, सॉरी म्यूजिक में टच हो गया, हम बैक करते हैं और गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद में हमको ये यहाँ से ये उठा लेते हैं और टिक किया, और ये हमने अपलोड हो गया देखिए, और यहाँ से हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने सेंड कर दिया है और ये सेंड हो चुका है। ओके, तो उसके बाद अनरीड मतलब जो हमने पढ़े नहीं हैं वो मैसेज होते हैं, स्टार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ड्राफ्ट मान लो हमने कोई मैसेज लिख रहे हैं और हम हमें कोई काम याद आ गया, हम उसको वहीं रोक सकते हैं और हमें दोबारा से वहीं से शुरू कर सकते हैं। सेंड मैसेज, सेंड का मतलब होता है जो हमने सेंड मैसेज किया वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे अभी हमने किया है। अर्चिव, अर्चिवमेंट का मतलब होता है कि अर्चिव वो होते हैं मैसेज जिनको हम रीड करके एक निशान टिक मार्क कर देते हैं। स्पैम, स्पैम का मतलब वो होता है जिनको हम डिलीट करते हैं, जैसे कि हम डिलीट कर देते हैं वो साइड में दिखते रहते हैं। डिलीट आइटम्स, डिलीट मतलब डिलीट मैसेज के यहाँ पे भी शो होने लगेंगे साइड में, उनको किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप यहाँ से टिक मार्क करेंगे इनको, कंपोज में जाएंगे, और कंपोज में जाने के बाद में आप यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप साइड में जो दिख रहे हैं, कैलेंडर है, डेट डेट के हिसाब से चूज कर सकते हैं आप, और लिस्ट है उसको लिस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे जाके आप कलर हैं जो ये थीम्स है, इसका थीम्स भी आप लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारे थीम्स हैं। ठीक है, ये देखिए हमने बैकग्राउंड पे थीम्स लगा दिया है, सेट है थीम, इस तरीके से आप थीम्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि आपने कौन से मेल भेजे हैं या कौन से नहीं भेजे। यहाँ पे व्यूज, फ़ोटो है, डॉक्यूमेंट्स है, या अदर कोई न्यू फोल्डर है उसको अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे छुपा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए, बहुत सारा अच्छा है ये। और उसके बाद में यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन है, यहाँ देखिए ये शॉर्ट में दिए हुए इसने, न्यूज ऑन टैप्स, और डेट के हिसाब से ये उस हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, टॉप लिस्ट है इसमें, और
यहाँ पे हम कुछ बता रहे थे आपको, यहाँ पे आएंगे सबसे पहले कंपोज में। कंपोज में आने के बाद में यहाँ पे कुछ लिखा होता है कि सीसी। सीसी का मतलब ये होता है कि आप जिसको, मतलब आप कोई किसी चीज़ को आप भेज रहे हो किसी एक व्यक्ति को, तो उसका एक मतलब गवाह के रूप में होना चाहिए कि आपने ये मेल उसको भेजा है, तो वो दोनों के पास जाएगा, सीसी का मतलब। बीसी का मतलब होता है जो भेज रहा है, और जो भेज रहा है भेजने वाला और जिसके पास जा रहा है, वो दोनों का सबूत बीसी उसके पास होता है, इसको ये मतलब होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि इसका मतलब ये कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत सारी सेटिंग है इनको कर सकते हैं, जैसे कलर्स हैं, थीम्स हैं इसमें, और मीडियम है, डार्क है, ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। मैसेज लिस्ट है, उसको मैसेज लिस्ट को आप इस तरीके से भी देख सकते हो, इस तरीके से भी देख सकते हो। टैक्स तो उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो ये सभी यहाँ पे आप चीज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप इनको रखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड है जो बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए उसको हम। और यहाँ पे मूव का है फोल्डर, तो ये जो मूव है उसको मूव कर सकते हो आप। मान लीजिए कोई फोल्डर है तो हम उसको मूव करना चाहते हैं, तो हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, देखिए हमने जो भेजा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई फाइल है यहाँ पे फाइल भी अटैच कर सकते हैं। हमारे पास फाइल नहीं, कोई फोल्डर है उसको हम छुपा सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप लिख के, जैसे यहाँ पे आपका फोल्डर का नाम है कुछ, ठीक है, ये फोल्डर का नाम है, और इसको आप यहाँ से करेंगे हिडन, तो ये देखिए हिडन हो गया, और यहाँ से आप शो करेंगे शो हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर मन में कोई कन्फ्यूजन सवाल है तो उसके लिए हम कमेंट बॉक्स में नीचे बात करें। धन्यवाद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त।